वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। भगवा कपड़े पहने हमलावर मिठाई के डिब्बे में चाकू कट्टा लेकर कमलेश के दफ्तर आए थे। उन्होंने आधे घंटे से ज्यादा उनसे बातचीत की। बात खत्म होने के बाद मिठाई के डिब्बे से चाकू निकाला और कमलेश की गर्दन रेत डाली। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान कमलेश तिवारी ने दोनों लोगों को दही बड़ा खिलाया था। कमलेश तिवारी के नौकर ने जब चाय सर्व की तो इस बीच दोनों लोगों ने नौकर स्वराजजीत सिंह से सिगरेट और मसाला लाने के लिए कहा, क्योंकि आरोपी चाहते थे कि जब वो घटना को अंजाम दे तो अकेले ही दे, ताकि जिस मकसद से वो आए थे उसे पूरा करके ही वापस जाएं। तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फोन किए थे, बातचीत किए, उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़ा सिपाही था, वो लाठी लेकर सोया हुआ था। वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए, उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में, उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया, उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया। फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे, फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ, मैं बगल की दुकान से जाके लेके आ रहा। वो सोचा मौका ढूंढ रहा था, जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया। फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ, फिर मैं गया मसाला लाने, जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरु जी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं, फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना। उसके बाद से पुलिस को फोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। तो सुना आपने, कमलेश तिवारी प्रशासन से कहते रह गए कि उन्हें बेहतर सुरक्षा दी जाए, लेकिन प्रशासन ने प्रोटेक्शन के नाम पर उनके घर के बाहर एक बुजुर्ग सिपाही तैनात कर दिया। हालांकि यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राशिद पठान नाम का व्यक्ति इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इनके नाम है राशिद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान है। एक तरफ यूपी पुलिस ये दावा कर रही है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर कमलेश तिवारी हत्याकांड को सुलझा दिया है, कहीं ना कहीं ये दावा इस बात को छुपाने के लिए तो नहीं है कि जब जिंदा थे तो सुरक्षा मुहैया में लापरवाही बरत रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।